मोदी सरकार का कार्यकाल के 4 साल 26 मई से 11 जून तक जनता के बीच जाकर उपलब्धियों को बताएंगे बीजेपी नेता। पीएम मोदी कल ओडिशा के कटक में करेंगे जनसभा। अमित शाह दिल्ली में सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। मोदी सरकार के 4 साल के पूरे होने पर कांग्रेस मनाएगी विश्वासघात दिवस। कल देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन का ऐलान। कोलकाता में आज पीएम मोदी और ममता बनर्जी की हुई मुलाकात। हेलीपैड पर पीएम मोदी ने ममता से कहा कीचड़ से बचकर चलें। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी के लिए भारत से मांगी मदद। कोलकाता में पीएम मोदी के साथ मुलाकात में थी बातचीत। शेख हसीना ने कहा रोहिंग्या मुसलमानों को इंसानियत के नाते जगह दी, जितनी जल्द हो सके अपने देश लौट जाए रोहिंग्या। कर्नाटक में कुमार स्वामी सरकार फ्लोर टेस्ट में हुई पास। बीजेपी विधायकों ने किया वॉकआउट, भरी मत से बहुमत का हुआ फैसला। देश में 8 राज्यों में हिंदुओं को मिल सकता है अल्पसंख्यक का दर्जा। 14 जून को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप और नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं हिंदू। मिजोरम और लक्षद्वीप में 3% से भी कम है आबादी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 34 राष्ट्रीय राइफल के कैंप पर ग्रेनेड से हमला। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी, हमले में सभी जवान सुरक्षित। मेजर लितुई गोगोई पर आर्मी चीफ बिपिन रावत का कड़ा बयान, कहा गलत काम किया है तो होगा कड़ा एक्शन। मेजर गोगोई पर श्रीनगर के एक होटल में महिला के साथ जाने से रोकने पर स्टाफ से मारपीट का आरोप है, सेना ने दिया है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। तमिलनाडु के टूटीकॉरन मामले को सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया, याचिकाकर्ता ने आज ही सुनवाई करने की मांग की। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट, बदसलूकी केस में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई, पुलिस से वीडियो रिकॉर्डिंग ली। 2013 के बिहार के बोधगया में बम ब्लास्ट केस में सभी 5 आरोपी दोषी करार, 31 मई को होगा सजा का ऐलान। लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल, पेट्रोल 32 पैसे और डीजल 18 पैसे हुआ और महंगा। गुजरात के सूरत में दुकानदारों को धमकाने की आरोपी अस्मिता भूरी की कोर्ट में हुई पेशी, 21 मई को तलवार दिखाकर डराने का वीडियो वायरल होने पर हुई थी गिरफ्तार। सीबीएसई की 12वीं के नतीजों का ऐलान कल होगा। cbserizults.nic.in या results.gov.in पर आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने की तैयारी में है योगी सरकार। 2019 अर्धकुंभ के बैनर में प्रयागराज लिखा, कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा ऐलान। 12 जून को हो सकती है ट्रंप और किंग जोंग उन की मुलाकात। उत्तर कोरिया की पहल पर अमेरिका ने दिए संकेत, ट्रंप ने कल ही बातचीत को रद्द करने का ऐलान किया। और अब देश में आज की 5 बड़ी स्टोरीज और उनसे जुड़े 5 अहम सवाल। देश के कई शहरों में इस वक्त ये हाल है कि आप घर से बाहर निकलने पर खुद को किसी तपते हुए तवे के नीचे महसूस कर रहे हैं। ये आपके लिए सावधान रहने का वक्त है क्योंकि 29 मई तक देश के 10 राज्यों में भयंकर गर्मी जारी रहने के आसार हैं। और इसीलिए देशहित में हम आज ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमारी सरकार, हमारा सिस्टम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सकता जिसमें मई जून के महीने को परेशानी मुक्त बनाने के आइडिया पर काम शुरू कर दिया जाए। एक तो गर्मी का मौसम, ऊपर से चुनाव की गर्मी। जमीयत उलेमाए हिंद के एक मौलाना ने आज फतवा जारी किया और फतवा जारी करके कहा कि मोदी को हराइए, बीजेपी को मजबूत मत होने दीजिए। और आज इसीलिए देशहित में सवाल पूछना जरूरी है कि क्या मजहब को हथियार बनाकर 2019 में मोदी के खिलाफ साजिश हो रही है। आज एक अहम खबर आई है अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर। खबर है कि 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है। तर्क ये है कि आखिर किसी राज्य में 68% आबादी वाला समुदाय अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है। ये सिर्फ एक मिसाल है और सच ये है कि 8 राज्यों में अल्पसंख्यक होने के बावजूद हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल नहीं है। तो उस मुद्दे पर सवाल ये कि क्या अल्पसंख्यक आबादी को लेकर हिंदुस्तान में एक देश दो विधान है। आदेश में कम से कम 2 खबरें ऐसी हैं जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरे। पहली खबर यह है कि 30 की जगह 14 महीने में ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तैयार हो गया और इसीलिए हम पूछ रहे हैं हमारे सिस्टम के चरित्र में कब शामिल होगा समय से पहले हर लक्ष्य पूरा कर। और दूसरी पॉजिटिव खबर, 70 साल के मध्य प्रदेश में सीताराम ने अकेले कुआं खोद डाला और इसीलिए हम पूछेंगे क्या सरकार का इंतजार करने के बदले अपनी तरक्की का रास्ता खुद बना सकते हैं क्या भारत के लोग। तो आज देशहित की शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने हिंदुस्तान के पसीने छुड़ा दिए। दिल्ली समेत उत्तर भारत के 10 राज्यों में 44 डिग्री से ज्यादा का टॉर्चर जारी है। आसमान से तेज धूप किसी आग की तरह बरस रही है, जमीन तप रही है, गर्म हवाओं ने बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। ऐसी गर्मी का आप पर क्या असर हो सकता है और कैसे आप मौसम के हर खतरे से बचकर रह सकते हैं, सब आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले कुदरत के 44 डिग्री टॉर्चर की एक झलक देखिए। आज
आसमान से आग बरसा रहा है सूरज। हिंदुस्तान के 10 राज्यों में द बर्निंग सन। तापमान 45 तो उसके आसपास ही हमारे पास रहेगा। देश के 36 शहरों में पारा 44 के पार। उत्तर प्रदेश में बढ़ती सूरज की आग। दिल्ली में जैसलमेर से ज्यादा गर्मी। गाड़ी में ही घूमेंगे, पैदल घूमना तो बहुत मुश्किल है। राजस्थान में रेगिस्तान बना जलता बारूद। मध्य प्रदेश में गर्म हवाओं का कहर। सुबह सुबह फिर भी देखो ना, पसीने से हालत बहुत खराब हो रही है। नौतपा के पहले दिन मौसम का रेड अलर्ट। इस बार पृथ्वी को भस्म कर देगा सूरज। तो आजकल घर से लेकर दफ्तर तक हर जगह आप गर्मी से परेशान हैं। ना घर के अंदर चैन और ना घर के बाहर किसी तरह का सुकून। गर्मी जैसे अपने सारे हथियार लेकर वातावरण पर कहर बनकर टूट रही। और आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी ऐसे में हो जाता है कि आज से गर्मी का सबसे भयानक दिन शुरू हो चुका है, यानी नौतपा। हम आपको दिखाते हैं कि क्या है नौतपा और अगले 4 दिन कैसे आपके लिए बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, ये आपको समझना बेहद जरूरी है। सूरज का सितम आजकल ऐसा है कि हर नजर पेड़ों की छाया ढूंढ रही है। आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि मई में आखिर मौसम में इतनी तपिश और वातावरण में बेचैनी क्यों है? तो इसका जवाब है 444। 444 यानी मौसम का 444 गणित। 444 यानी 44 डिग्री तापमान और अगले 4 दिनों तक पड़ने वाले रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। जो 10 बजे धूप है तो मुझे लगता है कि 12-1 बजे हम बाहर भी निकल सकते हैं। हमारे कलकत्ता पे भी है लेकिन इतना नहीं है। बहुत तेज पसीने छूट रहे हैं सुबह से ही, परेशान हो रहे हैं, चक्कर आते हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में गर्मी का 4 दिनों का अलर्ट जारी किया है। तापमान 45 से उसके आसपास ही हमारे पास रहेगा और जो कि हीट वेव की कंडीशन बनी रहेगी और दिन में लू चलने की भी संभावना है और इसके लिए हम लोगों ने अलर्ट भी जारी किया। 29 मई तक दिल्ली समेत 10 राज्यों में पारा 44 डिग्री के आसपास रहेगा। 29 मई तक दिल्ली समेत 10 राज्यों में गर्म हवाएं जारी रहेंगी। दिल्ली में 29 मई तक तापमान 44 से 45 डिग्री तक रहेगा। 29 मई तक दिल्ली में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में तापमान 46.6 डिग्री के पार चला गया है। राजस्थान के बूंदी में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया है। पंजाब में तापमान 45 डिग्री और 27 मई तक लू चलने का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। बिहार में औसत तापमान 44 डिग्री के आसपास है। 28 तारीख से चूंकि हमारे पास ईस्टर्ली विंड्स आ रही हैं और तो उसका प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होगा और 29 तारीख में इसका प्रभाव दिल्ली NCR और हरियाणा तक भी महसूस किया जाएगा। सो इसलिए आपको 29 तारीख से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो रही है। नौतपा यानी मौसम के सबसे ज्यादा गर्म रहने वाले 9 दिन। लेकिन नौतपा में भी 29 मई यानी 4 दिन तक मौसम का टॉर्चर जारी रहेगा। मौसम विभाग की ओर से आने वाले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट जो है जारी किया गया है। हीट वेव कंडीशन बनी रहेगी, खासतौर से जो राजस्थान और हरियाणा में तो इसका असर दिखेगा ही, दिल्ली में भी पारा चढ़ा रहेगा। कविता शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। मई में जून जैसी गर्मी क्यों शुरू हो गई और अगले 4 दिन तक सूरज का 44 डिग्री वाला टॉर्चर क्यों रहेगा, ये आप जरूर जानना चाहेंगे और इसीलिए आपको दिखाते हैं सूरज का पारा इतना बढ़ क्यों गया है।
इस समय रोहिणी नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश हो चुका है। रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करके सूरज फिलहाल उत्तरी गोलार्ध के ऊपर है। उत्तरी गोलार्ध के ऊपर रहने से मध्य और उत्तर भारत में ज्यादा गर्मी होती है। फिलहाल सोलर रेडिएशन भी बढ़ा हुआ है, यानी सूर्य की किरणें ज्यादा तीव्र हो रही है। ऐसे मौसम में तेज धूप, गर्म हवाएं और उमस जो है वो लगातार बढ़ती है। 25 मई से नौ तपा यानी तेज गर्मी के 9 दिन शुरू हो चुके हैं। 29 मई तक लू और तापमान के बढ़ने का अनुमान भी है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई से गर्मी में थोड़ी राहत मिलने की है। वैसे गर्मी सबसे खतरनाक पहलू गर्मी का क्या है वो आपको जरूर जानना चाहिए और उससे आपको सावधान भी होना चाहिए। गर्मियों में आपने सुना होगा कि परिवार के लोग एक दूसरे को लू यानी गर्म हवाओं से बचने की सलाह जरूर देते हैं। दरअसल 44 और 45 डिग्री वाले तापमान के दौरान गर्म हवाएं इतनी खतरनाक होती है कि कुछ ही समय में जान भी ले सकती हैं। गर्म हवाओं से जुड़ी ये बेहद अहम रिपोर्ट आपको इस मौसम में सुरक्षित रखेगी। '92 में लू चलने से 22,000 मौतें, 2017 में गर्म हवाओं ने 222 लोगों को मार डाला। गर्म हवाओं से हर साल लाखों मौत हो जाती है। गर्म हवाओं से शरीर के अंग बेकार हो सकते हैं। भारत में फिलहाल सबसे ज्यादा गर्मी वाले दिन चल रहे हैं और 29 मई तक करीब 10 राज्यों में हीट वेव यानी लू जारी रहेगी। यूपी के लखनऊ में पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है, लू भी चल रही है। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून की है जहां गर्म हवाओं का दौर जारी है। तीसरी तस्वीर राजस्थान के जयपुर की है, यहां तापमान 46 डिग्री के पार चल रहा है। जब तापमान 45 डिग्री के आसपास हो और गर्म हवाएं चले तो ये बेहद खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही से मौसम हमारे लिए जानलेवा बन सकता है। सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि हीट वेव कैसे बनती है और हमारे शरीर पर इसका क्या असर होता है। हमारे शरीर का संतुलित तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 37 डिग्री तापमान तक शरीर के सभी अंग ठीक तरह से काम करते हैं। बाहर का तापमान बढ़ता है तो शरीर का तापमान भी बढ़ने लगता है। ऐसे में शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है। ज्यादा डिहाइड्रेशन से शरीर का तापमान 42 डिग्री के पार चला जाता है। शरीर का तापमान 42 डिग्री पार होने पर सांस की समस्या हो सकती है। शरीर का तापमान 42 डिग्री पार होते ही ब्लड प्रेशर गिरने लगता है। बाहर का तापमान 45 डिग्री से ज्यादा हो तो शरीर पर बुरा असर होता है। ब्रेन, फेफड़े, सांस की नली की दिक्कत और यहाँ तक कि हीट स्ट्रोक हो सकता है। तेज धूप और गर्म हवाओं से हीट स्ट्रोक होता है और मौत हो सकती है। हमारे जो ब्लड की जो विस्कोसिटी है एकदम से बढ़ जाती है तो सर्कुलेशन इज इम्पेयर्ड। उसकी वजह से आमतौर पर अगर उसका प्रॉपर इमीडिएटली इलाज नहीं किया गया जो कि रिवर्सिबल हो जाता है तो डेथ हो सकती है उसमें। 45 डिग्री वाली इस खतरनाक गर्मी और जानलेवा गर्म हवाओं का मुकाबला करना है तो आपको बहुत तैयारी करनी होगी। सिर पर कपड़ा, हाथों में छतरी ले, लगातार पानी पिए और बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकले। दिल्ली से अश्विनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि 44 डिग्री वाली इस गर्मी का हमारे शरीर पर, आपके शरीर पर असर क्या पड़ रहा है। इस मौसम में कैसे खुद को और अपने परिवार के लोगों को आप सुरक्षित रखें, ध्यान से सुनिए। जब मौसम तेज धूप वाला हो तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, इसलिए सिर ढककर रखें और ठंडी जगहों पर ही रहें। जब मौसम गर्म हवाओं का हो तो ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, ऐसे में बाहर न जाएं और जहां भी रहें पानी जरूर पीते रहें। जब मौसम में उमस ज्यादा होती है तो सांस लेने में परेशानी होने लगती है, ऐसे में हवादार जगहों पर बैठें और पानी पीते रहें। जब पारा 45 के पार हो जाता है ना तो चक्कर आने लगते हैं और त्वचा भी सूखने लगती है, और ऐसे में ठंडे पेय पदार्थ लें और घर से बाहर ना लें। और अब आपको गुजरात में मौसम से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाते हैं। अरब सागर में केंद्रित मेकुनू चक्रवात की वजह से गुजरात के ज्यादातर समुद्री इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों समेत सभी लोगों को समुद्र की ओर ना जाने की चेतावनी दी गई है। जामनगर समेत सौराष्ट्र के कई बंदरगाहों के आसपास लोगों को तूफान से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर हीट वेव या लू
बनती कैसे है और चलती कैसे है। जब 3 दिन या उससे ज्यादा वक्त तक औसत से गर्म मौसम रहता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। जब धरती से 3000 से लेकर 7600 मीटर की ऊंचाई पर हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है तो हीट वेव बनती है। हवा के दबाव के साथ साथ एक इलाके में अगर नमी भी होती है तो लू ज्यादा तेज हो जाती है। तेज दबाव यानी प्रेशर के चलते हवा जमीन की तरफ भागती है, इसका तापमान बढ़ जाता है। इस दौरान हवा में नमी भी घुल जाती है जिससे हवा का तापमान और बढ़ जाता है। लू लगने की वजह से हाइपरथर्मिया बीमारी हो जाती है जिसे हम लू लगना कहते हैं। आपको यूपी का सियासी पारा दिखा देते हैं जिसने कैराना के उपचुनाव में सारी सीमाएं तोड़ दी है। आदेव बंद के मौलाना ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जहर उगला, मुसलमानों से अपील की कि मोदी सरकार से पूरा हिंदुस्तान परेशान है और इसीलिए कैराना में बीजेपी कैंडिडेट को हराएं। अब सवाल ये है कि इस देश में वोट की मजहबी ठेकेदारी कब तक चलेगी। 2019 में क्या मजहबी साजिश करके मोदी को रोकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मौलाना का जहर सुनिए। भाजपा को अगर हराना है और नकारना है तो मुसलमानों को चाहिए कि उत्तर प्रदेश को वोट दें। तो क्या कैराना उपचुनाव में मुस्लिमों को डराकर बीजेपी को हराएंगे। जब फतवा जारी करा है तो जिन्ना के जो भक्त हैं वो फतवा जारी करवा रहे हैं वोट लेने के लिए, तो पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब दिल्ली के एक चर्च से एक पादरी ने पीएम मोदी के खिलाफ नफरत के बोल बोले। अब देवबंद के ये मौलाना कैराना के उपचुनाव में धर्म की आड़ लेकर मजहबी चाल चल रहे हैं। नाम है मौलाना हसीब सिद्दकी, जमियत उलेमा हिंद देवबंद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, जो कैराना उपचुनाव में आरएलडी के मुस्लिम कैंडिडेट को जिताने के लिए बीजेपी को हराने की अपील कर रहे हैं। जहां जहां भी चुनाव चल रहे हैं और चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ लोगों को चाहिए कि वो अपने वोट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि कम वोट पोलिंग होने की वजह से भाजपा को फिर खड़े होने का मौका मिले। अब इन साहब को एक साल पीछे लेकर चलते हैं। एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने ऐसे ही एक मामले पर क्या अहम फैसला दिया था मौलाना साहब को बताना जरूरी है। प्रत्याशी या उसके समर्थकों के धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है। चुनाव एक धन निरपेक्ष पद्धति है और इस आधार पर वोट मांगना संविधान की भावना के खिलाफ है। तो क्या जमियत उलेमा हिंद के मौलाना हसीब सिद्दकी धर्म का सहारा लेकर मुस्लिम उम्मीदवार के समर्थक नहीं बन गए? क्या ऐसे बयान से जमियत उलेमा हिंद ने संविधान की भावना का मजाक नहीं उड़ाया? 2019 के चुनावी साल से पहले ऐसे जहरीले बयान मोदी के खिलाफ जुबानी फतवों की चाल नहीं है। सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब देश हित में बात उस पोस्टर की जिसके जरिए कैराना उपचुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई। कैराना में कई जगह लगा ये वही पोस्टर है जो लोगों में सियासी मुद्दा बना हुआ है। ये पोस्टर आरएलडी ने लगवाए। इस पोस्टर में लिखा है कि आरएलडी को वोट देना इसीलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी की सरकार पाकिस्तान से चीनी मंगवाती है और देश के किसानों के साथ धोखा करती है। जिन मौलाना हसीब सिद्दीकी ने पीएम मोदी के खिलाफ वोट करने का फतवा दिया है वो जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े हैं और कुछ नहीं तो मौलाना सिद्दीकी को अपने ही संगठन का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। मौलाना साहब, अगर जी न्यूज अभी आप देख रहे हैं तो बहुत गौर से सुनिएगा, इस इतिहास को आपको जानना जरूरी है। देश हित में आपको जमीयत के बारे में जानना जरूरी है, ये सुनिए। सबसे पहली बात, जमीयत उलेमा हिंद की स्थापना जो है वो 1919 में राष्ट्रवादी मुस्लिम मौलानाओं ने की। जमीयत ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों का विरोध किया। जमीयत उलेमा हिंद ने मुस्लिम लीग की भारत को बांटने की मांग का हमेशा विरोध किया। जमीयत ने जो नेता तैयार किए थे उनके नेता मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी ने देश के बंटवारे का कड़ा विरोध किया था। जमीयत का मानना था कि भारत यहाँ के मुसलमानों का भी देश है और इसका बंटवारा उन्हें मंजूर है।
लेकिन उसी संगठन से जुड़े हुए मौलाना सिद्दीकी आज देश को तोड़ने के लिए एक फतवा जारी। क्या आप जानते हैं कि देश के 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, यानी उनकी जो आबादी है वहां बहुमत में नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया गया है। और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस देश में हिंदुओं और हिंदू हित को लेकर राजनीति होती है, वहां हिंदुओं को उनका हक इन 8 राज्यों में बताइए क्यों नहीं दिया जा रहा। हिंदुस्तान में हिंदू होने की सजा कब तक? अल्पसंख्यक आबादी पर एक देश में 2 विधान क्यों? 14 जून को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बैठक में इस बात पर फैसला लिया जा सकता है कि 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या नहीं। 2011 की जनगणना के मुताबिक 8 राज्यों में आबादी के हिसाब से हिंदू अल्पसंख्यक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपना सुझाव मंत्रालय को देगा, मंत्रालय अपनी राय सरकार को देगा, जिस पर सरकार फैसला लेगी। मिनाटी कमीशन ने एक सब कमेटी बनाई है और जो इस पे काम कर रही है, सभी स्टेक होल्डर से बातचीत कर रही है, और स्टेक होल्डर से बातचीत करके अगर जो वो उनकी रिपोर्ट या कोई सजेशन होगा, देन उसके बाद हम लोग एग्जामिन करेंगे। जो उसके कानूनी पहलू हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू हैं, उन तमाम चीजों का अध्ययन करेंगे। कई ऐसे सवाल हैं जो हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा न दिए जाने को लेकर हैरान करते हैं। 2014 में 8 राज्यों में जैन समुदाय अल्पसंख्यकों की लिस्ट में शामिल, हिंदू नहीं। 2011 की जनगणना के मुताबिक 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक, फिर भी उन्हें बहुसंख्यक माना गया। लक्षद्वीप जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बहुमत में, फिर भी वो अल्पसंख्यक होने का फायदा उठा रहे हैं। असम, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी और बिहार में मुस्लिम अधिक संख्या में होने के बावजूद अल्पसंख्यक। जिस प्रकार से अभी स्टेट ने कहा है कि हम एक माइनॉरिटी कमीशन बनाने वाले हैं, और जिस तरह से नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बाकी रियासतों के अंदर हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा दे रही है, उसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर भी माइनॉरिटीज का दर्जा हिंदुओं को मिलना चाहिए। सवाल यही है कि हिंदुस्तान में जब राजनीति के केंद्र में अगर हिंदुओं को रखा जाता है तो उनके हित की बात के लिए सरकार खुलकर आगे क्यों नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं किन 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और इन 8 राज्यों में हिंदू आबादी कितनी। लक्षद्वीप में हिंदू आबादी आपको पता है कितनी है? 2.5%। दूसरा राज्य है मिजोरम, जहां हिंदू आबादी है 2.75%। थर्ड, तीसरा राज्य है नागालैंड, जहां हिंदू आबादी है 8.75%। मेघालय में 11.53%। जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, आए दिन आप डिबेट भी इस पर देखते हैं, हिंदू आबादी वहां पर 28.44% है, लेकिन वहां अल्पसंख्यक माना जाता है मुस्लिमों। अरुणाचल प्रदेश में हिंदू आबादी है 29%। मणिपुर में यह आंकड़ा है 31.39%। और पंजाब में 38.40%। इन सभी 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित क्यों नहीं किया जाता, यही सवाल हम पूछ रहे हैं। और अब देश हित में आपको फ्राइडे की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पिक्चर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने शांति निकेतन में बांग्लादेश भवन का उद्घाटन किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से कई कूटनीतिक मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन शांति निकेतन से आई पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक तस्वीर ने नई सियासी बहस छेड़ी। क्या पीएम मोदी की सबसे बड़ी विरोधी ममता 2019 में मोदी की सबसे बड़ी सहयोगी बन जाएंगी? इस तस्वीर से लोग तो कयास यही लगा रहे हैं। संभावनाएं आप भी टटोलिए। दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। ये तस्वीर देखकर दुनिया वाले क्या सोच रहे होंगे, खुद से क्या पूछ रहे होंगे, हम आपको सारी संभावनाएं बताएंगे। लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का एकला चलो नारा सुनाते हैं। अगर आपके साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं है, तब भी अपने लक्ष्य की तरफ अकेले ही चलते रहो। यहां मोदी का पूरा जोर एकला चलो पर था, लेकिन इस तस्वीर ने देश को इशारा कुछ और ही दिया।
शांति निकेतन में बने हेलीपैड के पास ममता बैनर्जी पीएम का स्वागत करने के लिए विमान की तरफ तेजी से चली आ रही थी। उधर मोदी विमान से उतरकर कुछ दूर पैदल चल चुके थे। पीएम ने देखा कि हेलीपैड के पास ही कीचड़ पड़ा हुआ है। इसके बाद उन्होंने ममता को रुकने का इशारा किया, लेकिन वो रुकी नहीं, रास्ता बदलकर मोदी का स्वागत किया। फिर सवालों ने जन्म लिया। क्या पश्चिम बंगाल में मोदी ने ममता से मिशन 2019 पर बात की? क्या ममता बैनर्जी ने पीएम मोदी को समर्थन का कोई वादा किया? या आप आए मोस्ट वेलकम बस इतना ही कहा? 2019 में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है ममता बैनर्जी, और मोदी का तो मिशन ही कांग्रेस मुक्त भारत का है। तो क्या इस तस्वीर के बाद ये माना जाए कि पीएम की धुर विरोधी ममता बैनर्जी 2019 में मोदी की सबसे बड़ी सहयोगी बन जाएंगी? वैसे ये सियासत है, इसमें दोस्त कब दुश्मन और दुश्मन कब दोस्त बन जाए कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भेजकर सरहद पर कैसी शांति चाहता है पाकिस्तान? वहां से जो आतंकी घुसपैठ करके कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं, इस घुसपैठ को रोका जाए। आतंकी की गवाही से आतंकिस्तान का पर्दाफाश। मैंने लश्कर के जो कैंप मानसेरा गढ़ी अबीबुला में 21 दिन की ट्रेनिंग की। पहले हमारी ट्रेनिंग के दौरान दो मर्तबा, एक मर्तबा हाफिज सईद और दूसरी मर्तबा जकीर रहमान नकवी, ये दो एक मर्तबा। सीज़फ़ायर तोड़ने पर अब पाकिस्तान का सफाया। हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते, अगर वहाँ से सीज़फ़ायर वायलेशन होगा तो जवाबी कार्रवाई हमारी तरफ से भी होगी। आतंकियों ने फिर किया हमला तो सेना तोड़ेगी सीज़फ़ायर। अगर आतंकवादियों की तरफ से कोई कार्रवाई हुई तो हमें फिर ये सीज़फ़ायर पे या जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन या नीको जिसे हम कह रहे हैं, इस पे दोबारा से विचार विमर्श करना पड़ेगा। अब की बार आतंकियों को बर्बाद करने वाला वार। अब देख रहे हैं देश हित। पाकिस्तान को जनरल बिपिन रावत ने आज अंतिम चेतावनी दी। ये कहा कि अगर शांति चाहते हो तो आतंकी भेजना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में कल रात भी ग्रेनेड से आतंकी हमला हुआ। आज आतंकियों से खास एक सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए आतंकियों को पाया गया है, और इसीलिए जनरल रावत ने चेतावनी दी है कि यदि आतंकियों की तरफ से फिर कार्रवाई हुई तो सीज फायर पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में टेररिस्ट से 20 फीट की आतंकी सीढ़ी मिली है। कम वजन, मजबूत और फोल्ड की जाने वाली ये सीढ़ी फोल्ड होने पर महज कुछ फीट की हो जाती है। इसका इस्तेमाल आतंकवादी सीमा पर कटीली तारों को पार करने, छोटी पहाड़ियों पर चढ़ने, नाले को पार करने या सेना के कैंप में घुसपैठ करने के लिए कर सकते हैं। तो क्या ये आतंकियों की नई साजिश है सीमा पर सीज़फ़ायर का फायदा उठाने की? हम लोग तो चाहते हैं कि सरहद पर अमन शांति बहाल की जाए, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज़फ़ायर वायलेशन होता रहता है, जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। जम्मू कश्मीर में बीती रात दो जगह ग्रेनेड से हमले हुए, इसमें दो पुलिसकर्मियों समेत कुल तीन लोग घायल हो गए। ग्रेनेड हमले के बाद कटरा स्टेशन और वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रमजान में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन बंद है, जिससे आतंकी वारदात में इजाफा हुआ है। लेकिन सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत की माने तो सीज़फ़ायर का ये मतलब नहीं है कि सेना के हाथ बंधे हुए हैं। अगर आतंकवादियों की तरफ से कोई कार्रवाई हुई तो हमें फिर ये सीज़फ़ायर पे या जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन या नीको जिसे हम कह रहे हैं, इस पे दोबारा से विचार विमर्श करना पड़ेगा। इससे पहले पाकिस्तान का एक जिंदा आतंकी ज़ैबुल्ला हमजा पकड़ा गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुल्तान के ज़ैबुल्ला ने लश्कर के कैंप में ट्रेनिंग ली। एलओसी पार करते ही इसे सेना ने जिंदा पकड़ लिया।
जब हम हलमतपुरा पहुंचे तो वहां पे आर्मी ने हमारे ऊपर इनकाउंटर किया। इनकाउंटर में हमारा 2 दिन इनकाउंटर चला और उसमें हमारे 5 साथी मारे गए और उसमें मैं जख्मी हुआ और वहां से निकल गया। और 15 दिन बाद मैं अभी अकेला जंगलों में रहा और आर्मी ने उसके बाद मुझे भी गिरफ्तार कर लिया। जैबुल्ला ने सरहद पार आतंकी हाफिज के साथ पाकिस्तानी सेना की भी पोल खोल दी। एक तरफ हाफिज आतंकी कैंप में जैबुल्ला जैसो का ब्रेन वॉश कर रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को सरहद पार भारत में पहुंचाने का काम करती है। श्रीनगर से खालिद हुसैन और दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। ऐसे क्या आप जानते हैं कि जिस लाल किले से प्रधानमंत्री भाषण देते उसे खत्म करने के लिए खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये खतरा दिल्ली में ऐतिहासिक स्मारक कुतुब मीनार तक भी पहुंच चुका है। देश की राजधानी में 200 ऐतिहासिक इमारतें अपना इतिहास खो सकती है। शासन संवेदनशील होना चाहिए। 15 अगस्त को पीएम का भाषण कहाँ होगा? ग्रामीण सड़क का काम हुआ करता था, आज उस रफ्तार को तेज करके हम सत्ता का ऐतिहासिक स्मारक लाल किला खत्म हो जाएगा। लाल किला यानी हिंदुस्तान में सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक। इस इमारत पर पूरे देश को हमेशा से अभिमान रहा है, लेकिन अब इस इमारत की चिंता करने का वक्त आ गया है क्योंकि लाल किले पर प्रदूषण का काला साया गहराता जा रहा है। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च मैनेजमेंट ने रिपोर्ट दी है। दिल्ली की 200 इमारतों पर 8 साल तक स्टडी की गई। स्टडी के मुताबिक दिल्ली के 200 ऐतिहासिक स्मारक खतरे में हैं। दिल्ली की 200 ऐतिहासिक इमारतें प्रदूषण से नष्ट हो रही हैं। लाल किला, कुतुब मीनार समेत 200 इमारतों में दरारें पड़ रही हैं। दिल्ली की 200 ऐतिहासिक इमारतों में धब्बे और पीलापन आ गया है। 30 साल में दिल्ली के 200 स्मारकों की खूबसूरती खत्म हो सकती है। प्रदूषण की वजह से ऐतिहासिक इमारतों की सुंदरता कम हो रही है। धूल के कण कार्बोनिक एसिड जैसी खतरनाक गैस बनाते हैं। खतरनाक गैस और धूल धुएं के कण से इमारतों पर धब्बे पड़ रहे हैं। सल्फर है वो तत्व, नाइट्रोजन है वो तत्व, सिलिकन है वो तत्व, कार्बन है, तो यही वातावरण में उपस्थित जलवाष्प को खींच करके एसिड का निर्माण करता है और केमिकल रिएक्शन के कारण वो पूरी की पूरी मॉलिक्यूल्स फ्रैक्चर्ड होती, टूट जाती है, जिसे एक्सफोलिएशन के रूप में देखते हैं। 1000 ऐतिहासिक इमारतें सड़क से 200 मीटर के दायरे में हैं। इमारतों की दीवार की परत को प्रदूषण से 70% तक खतरा। वायु प्रदूषण इमारतों पर 50% तक धब्बे डाल रहा है। इमारतों पर 20-30% तक दरारों के लिए भी प्रदूषण जिम्मेदार। इमारतों में 15% जगहों पर नमी से दीवारें खोखली हो रही हैं। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च मैनेजमेंट के छात्रों और प्रोफेसरों का दावा है कि जिन चीजों से ऐतिहासिक धरोहरों को प्रदूषण से बचाने के लिए कोटिंग हो रही है वो भी हानिकारक है। करीब 5 साल में ये कोटिंग भी उतर जाएगी, इसलिए सबसे जरूरी है ऐतिहासिक इमारतों को वायु प्रदूषण से बचाना। और ये तभी संभव हो सकेगा जब ऐतिहासिक इमारतों के आसपास निश्चित दूरी तक ट्रैफिक पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि लाल किले और कुतुब मीनार पर ही वायु प्रदूषण की वजह से खत्म होने का खतरा है तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि दिल्ली की 200 इमारतों के लिए पोल्यूशन बहुत बड़ा संकट बन गया है। दिल्ली की कुछ ऐतिहासिक इमारतों पर मंडराते प्रदूषण के खतरे के बारे में आइए अब आपको जानकारी देते हैं। लाल किले की खूबसूरत लाल दीवारों पर धब्बे पड़ रहे हैं। कुतुब मीनार के ढांचे को प्रदूषण से नुकसान पहुंच रहा है। अजमेरी गेट का स्मारक खतरे में। सफदरजंग का मकबरा भी वायु प्रदूषण की वजह से संकट में। ऐतिहासिक किलाए कुना मस्जिद को भी एयर पोल्यूशन से बहुत नुकसान पहुँच रहा है। हस्तसाल मीनार को भी धूल धुआं और जहरीली हवा नुकसान पहुंचा रही है। दिल्ली की वो फेमस बावली तो आपको पता ही होगा, वो भी वायु प्रदूषण से बहुत ज्यादा जूझ रही है। मेहरौली की इमारतें वायु प्रदूषण की वजह से अपनी खूबसूरती खो रही है। और दिल्ली के नीले गुंबद की भी ऐतिहासिक खूबसूरती को वायु प्रदूषण निगलता जा रहा है।
लाल किले और कुतुब मीनार को लेकर बढ़ते वायु प्रदूषण के खतरे के बीच ये जानकर आपको चिंता होगी कि ताजमहल की सांसें भी उखड़ने लगी। बिल्कुल सही कह रही है मेहमानसा, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा रखने वाला ताजमहल प्रदूषण से दम तोड़ने लगा है। आगरा के स्थानीय गाइड और इतिहासकारों ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि आगरा में प्रदूषण को प्लीज कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आगरा का बेहिसाब प्रदूषण पिछले 30 साल से ताजमहल को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। WHO की रिपोर्ट में इंडस्ट्रियल शहर होने की वजह से आगरा दुनिया का सबसे 8वां प्रदूषित शहर बन चुका है। इतिहासकारों और लोकल गाइड्स ने ASI से भी गुजारिश की है कि ताजमहल के आसपास ट्रैफिक को पूरी तरह बंद किया जाए ताकि धूल धुआं और बाकी हर तरह के प्रदूषण से ताजमहल को बचाया जा सके। बात उस ऐतिहासिक बातचीत की जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर है ये, 24 घंटे पहले अमेरिका ने किंग जोंग उन के साथ मीटिंग कैंसिल कर दी थी। कल ही हमने आपको ये बताया था, ट्रंप को ये लगा कि ऐसा करने के बावजूद दुनिया उनका साथ देगी, लेकिन किंग जोंग के सरेंडर की तस्वीरें सामने आने के बाद अब ज्यादातर देश उत्तर कोरिया के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बातचीत रद्द करके ताकतवर बनने के बदले डोनाल्ड ट्रंप हार गए और धमाके की इन तस्वीरों में अपना अभिमान खत्म करके किंग जोंग जीत गया। ये धमाका किम जोंग उन की सबसे बड़ी हार है। न्यूक्लियर टेस्ट साइट को तबाह करके किम जोंग अपने सरेंडर का ऐलान किया। धमाके के बाद किम जोंग का स्वाभिमान धूल बनकर हवा हो गया। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु केंद्र पंगीरी कॉम्प्लेक्स में सभी 3 सुरंगों को तबाह कर दिया है। इन्हीं सुरंगों में उत्तर कोरिया ने अपने 6 परमाणु परीक्षण किए थे। Space explosion proved very successful, and as you can see, the northern tunnel of the nuclear test ground was completely destructed, and all the entrances of the tunnel were completely blocked. ये पहला मौका था जब दुनिया के पत्रकार नॉर्थ कोरिया की टॉप सीक्रेट लोकेशन पर आए। उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक परमाणु परीक्षण बंद करने के बाद दुनिया के पत्रकारों के सामने परीक्षण स्थल को खत्म किया गया। साथ ही ये भी तय हो गया कि यहाँ से किसी तरह की न्यूक्लियर लीकेज नहीं हो रही है। उत्तर कोरिया के मुताबिक उसकी एक सुरंग 2006 में हुए पहले धमाके के बाद से ही छोड़ दी गई है, क्योंकि वो परमाणु परीक्षण के बाद ढह गई थी। उत्तर कोरिया के परमाणु सरेंडर के ठीक 8 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम जोंग उन के साथ अपनी बातचीत रद्द कर दी। नॉर्थ कोरिया के मुताबिक 12 जून को सिंगापुर में होने वाली बातचीत रद्द होना दुखद है और वो कहीं भी ट्रंप के साथ बातचीत करने को तैयार है। ट्रंप के मनमाने फैसले के बाद दक्षिण कोरिया के लोगों ने एंटी ट्रंप रैली निकाली। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में अमेरिकी दूतावास के सामने ट्रंप के विरोध में नारे लगाए गए और जल्द उत्तर कोरिया से बातचीत शुरू करने को कहा गया। 북한은 그 억류된 미국인 3명을 풀어주고 풍계리 핵실험장도 폐기를 했는데 오히려 미국은 일방적으로 이렇게 북미 정상회담을 취소를 해가지고 बातचीत के लिए राजी होने से पहले किम जोंग उन दुनिया की परवाह किए बिना मनमाना एजेंडा लेकर चलता था। जब किम को सुधरने का मौका मिला तो उसने न्यूक्लियर टेस्ट साइट को खत्म किया, लेकिन बातचीत रद्द करके ट्रंप ने कोरियाई प्रायद्वीप में शांति की कोशिशों पर बमबारी तो कर ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर कोरिया का कहना है कि किम जोंग उन ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात के लिए बहुत कोशिशें की और वो अमेरिका के साथ मुद्दे का कभी भी कैसे भी बातचीत करना चाहता। ट्रंप ने कल बातचीत रद्द करने के पीछे की वजह उत्तर कोरिया के बयानों को बताया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि किम जोंग से बातचीत के बाद भी ट्रंप प्रशासन ये तय नहीं कर पाया कि उन्हें कितना फायदा होगा। उत्तर कोरिया अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलना चाहता था, लेकिन ट्रंप को बातचीत के नतीजे पर शक था। जानकारों के मुताबिक ट्रंप को ऐसा लगा मानो बातचीत के लिए मिलने का ज्यादा फायदा किम जोंग को मिल सकता है।
हालांकि परमाणु परीक्षण स्थल को नष्ट करने के कुछ घंटों बाद जिस तरह ट्रंप ने बातचीत रद्द की उससे दुनिया में गलत संदेश गया और लोगों की सहानुभूति किम जोंग के साथ हो गई। वैसे आने वाले दिनों में भी ये संभावना जताई जा रही है कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति का नोबेल पुरस्कार न मिलने पर उत्तर कोरिया को भला बुरा कहेंगे। मध्य प्रदेश के दशरथ मांझी की कहानी आपको दिखा रही है। वो शख्स जो पिछले 3 साल से 70 साल की उम्र में कड़ी मेहनत करके गांव वालों के लिए कुआं खोद रहा है और वादा किया खुद से कि एक दिन धरती का सीना चीर कर वो अपने गांव वालों की प्यास जरूर बुझाएगा। देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। ये हैं 70 साल के किसान सीताराम राजपूत। छतरपुर के लोग इन्हें मध्य प्रदेश का दशरथ मांझी कहकर बुलाते हैं। उम्र के इस पड़ाव में सीताराम का जुनून भी दशरथ मांझी की तरह ही पहाड़ तोड़ने जैसा है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। सीताराम छतरपुर के अपने गांव हड़ुआ में लोगों की प्यास बुझाने के लिए पिछले 3 साल से कुआं खोद रहे हैं। दिन रात धूप छांव सर्दी गर्मी और बरसात देखे बगैर और कहते हैं कि धरती का सीना चीर कर एक दिन पाताल से भी निकाल लाएंगे पानी। बाईस हाथ में बढ़िया पानी निकलो जल आ गई बरसात फिर से उगर चालू से फिर से अब उगारन लगे हम चाहे हमारा शरीर बेके चाहे घर चाहे जे कछुआ कुआ बना कर रहे हैं। हड़ुआ बुंदेलखंड का सूखा ग्रस्त इलाका है। गांव में सिर्फ एक हैंडपंप है जिससे 300 लोगों की प्यास बुझती नहीं। इसीलिए सीताराम ने कुआं खोदने की जिद ठानी लेकिन अफसोस सरकार ने इस हिम्मती बुंदेलखंडी की अब तक कोई मदद नहीं की सिर्फ वादे से ही प्यास बुझाने में लगी। लाभ दिलाकर उस कुएं को बनवाने में उसका सहयोग किया जाएगा। काम में प्राथमिकता दी जाए और उसको सम्मानित किए जाने के संबंध में राज्य शासन को इस संबंध में इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। जी न्यूज सीताराम के हौसले को सलाम करता है और उम्मीद करता है कि एक दिन सीताराम अपने लक्ष्य में कामयाब जरूर होंगे। भगवान के भरोसे मत बैठिए। पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।